हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि एक नोटिस आई थी नेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट netboard.edu.in पे, उसमें रिजल्ट कम स्कोर कार्ड पब्लिश की गई ऑल इंडिया 50% कोटा से रिलेटेड। तो उसमें आप नीट पीजी 2022 रैंकिंग और साथ ही साथ ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक एंड कैटेगरी रैंक भी मेंशन की गई है। तो उसके ऑन दैट बेसिस, उसके बेसिस पे हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, जनरल, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस हद तक इम्पैक्ट पड़ सकती है काउंसलिंग पे अगर इंक्रीमेंट हो कैटेगरी रैंक में या कोटा रैंक में, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स उनको ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, वो लेफ्ट साइड में नीट पीजी 2021 की रैंकिंग और उसकी कोटा रैंक है, ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक, और राइट साइड में इस साल जो करंट ईयर की जो काउंसलिंग सेशन है, नीट जो होने वाली है, नीट पीजी 2022 रैंकिंग और उसकी ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक की कॉलम्स है। तो सबसे पहले देखते हैं रैंक 500 से स्टार्ट करते हैं। तो 514 पे कोटा रैंक 507 बनी थी लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक में, और 515 पे 515 बनी है। तो टॉप 500 रैंक पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिली। फिर 2020 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर पे 1999 50% कोटा रैंक बनी है, और इस साल 2021 पे 2021, 2019 पे 2019 ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी है। 2019 ऑल इंडिया रैंक पे 50% कोटा रैंक 2019 एंड 2021 पे 2021। थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है जनरल कैटेगरी में अभी तक। अब थोड़ी लोअर रैंक्स पे देखते हैं। अपर रैंक्स पे देखा हमने 10,074 ऑल इंडिया रैंक पे 9,990 कोटा रैंक, ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया कोटा 50% रैंक बनी थी लास्ट ईयर, और इस साल 10,070 पे 10,070 बनी है। तो थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। 30,501 पे 30,501 ऑल इंडिया रैंक पे 30,192 ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी थी लास्ट ईयर, और इस साल 30,502 पे 30,502 ऑल इंडिया रैंक पे 30,502 ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी है। तो कोई लोअर रैंक्स में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, और ऐसे कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन है नहीं, स्पेशली अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में। 50,071 ऑल इंडिया रैंक पे 54,549 ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी है लास्ट ईयर, और 55,070 ऑल इंडिया रैंक पे 55,070 ही ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक इस साल बनी है। तो थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिल रही है। बीच में 30,000 रैंक के रेंज में इंक्रीमेंट थोड़ी देखने को मिली, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिली, फिर रिडक्शन ही देखने को मिली। 30,000 रैंक पे वैसे कोई खास इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिली, फिर लोअर रैंक पे फिर इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तो कोटा रैंक या कैटेगरी रैंक बेसिकली वो ये इंडिकेट करता है कि आपसे पहले आपके कैटेगरी में कितने लोग हैं,
तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में तो वैसा कोई खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। हालांकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं इस साल उसके अकॉर्डिंगली इतना एक्सपेक्टेड था ही। तो इससे पैनिक होने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। कोई हाई नेगेटिव शिफ्ट आने की जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में, स्पेशली जनरल कैटेगरी में कोई चांसेस नहीं दिख रही हैं। अब देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या कैटेगरी रैंक, कोटा रैंक या कैटेगरी रैंक बनी है और क्या लास्ट ईयर बनी थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 के राउंड रैंक से। 504 पे 497 कोटा रैंक बनी थी। 504 ऑल इंडिया रैंक पे 497 कैटेगरी रैंक बनी थी और इसके अकॉर्डिंगली 515 पे 505 बनी है। थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिली टॉप 500 रैंक में और 57 कैटेगरी रैंक इनकी बनी है। फिर उसके बाद 25,054 पे 25,030 54 ऑल इंडिया रैंक पे 2,554 ऑल इंडिया रैंक पे 2,530 कैटेगरी रैंक बनी थी लास्ट ईयर। और इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं 2,555 पे 2,555 ऑल इंडिया रैंक पे 2,555 कैटेगरी रैंक या कोटा रैंक, ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी है और इनकी कैटेगरी रैंक है 278। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को अभी तक नहीं मिला है टॉप रैंक्स में। अब थोड़ी लोअर रैंक्स तक जाते हैं। 12,551 ऑल इंडिया रैंक पे 12,442 कैटेगरी रैंक बनी थी लास्ट ईयर। और उसी के अकॉर्डिंग अगर इस साल करंट काउंसलिंग जो होने वाली है उसमें अगर देखें तो 12,561 ऑल इंडिया रैंक पे 12,561 ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी है और 1,456 कैटेगरी रैंक है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को ईडब्ल्यूएस में भी नहीं मिली है। हालांकि जनरल से थोड़ी कंपटीशन ज़्यादा रहेगी इस बार। लगता है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म्स फिलअप किए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में थोड़ी हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो ऑल इंडिया 50% कोटा के लिए अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। उसमें कंपटीशन अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 45,540 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर 45,093 कोटा रैंक बनी थी और इस साल 45,560 ऑल इंडिया रैंक पे 45,560 कैटेगरी कोटा रैंक बनी है और कैटेगरी रैंक 48,431 है। तो थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ी सी कंपटीशन हाई रहेगी। 67,034 ऑल इंडिया रैंक पे 66,413 कोटा रैंक बनी है ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक लास्ट ईयर और 67,043 ऑल इंडिया रैंक पे इस साल 67,043 कोटा रैंक ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक बनी और कैटेगरी रैंक 6,536 बनी है। तो इससे एक चीज़ इंडिकेट होती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ी बहुत कंपटीशन, स्पेशली फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में हाई रहेगी कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी हाई नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट, ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा
लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कंपटीशन हाई देखने को मिलेगी। टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे मेडिसिन, रेडियो रेडियो डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, ये सब में कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा ऑल इंडिया कोटा में। इवन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की के लिए जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यू जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अब देखते हैं ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी में क्या कैटेगरी वाइज इंक्रीमेंट आई है इस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट काउंसलिंग सेशन के कंपैरिजन में इस काउंसलिंग सेशन में। ओबीसी कैटेगरी में देखते हैं ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक एंड कैटेगरी रैंक में। तो लेफ्ट साइड का कॉलम नीट पीजी 2021 का है और राइट साइड का नीट पीजी 2022 का है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 500 रैंक से। 503 रैंक पे 496, 517 रैंक पे 517 रैंक पे 510 कोटा रैंक बनी थी और 108 कैटेगरी रैंक बनी थी। 533 ऑल इंडिया रैंक पे 526 कोटा रैंक बनी थी और कैटेगरी रैंक इनकी 112 थी लास्ट ईयर। और 500 सिमिलर, अगर इसके सिमिलर में देखें तो 534 पे 146 कैटेगरी रैंक बनी है। तो ओबीसी कैटेगरी में थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिली टॉप 500 में ही, और 1015 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर 258 कैटेगरी रैंक बनी थी। 1015 ऑल इंडिया रैंक पे इस साल 303 कैटेगरी रैंक बनी है। तो कैटेगरी वाइज कंपटीशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। 2642 पे 799 कैटेगरी रैंक बनी थी। 2642 ऑल इंडिया रैंक पे साल 2642 पे 838 ऑल इंडिया रैंक बनी है। तो जैसे रैंकिंग बढ़ते जा रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं और जो उनकी कैटेगरी रैंक है उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 10002 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर 3431 कैटेगरी रैंक बनी है। 10005 पे इस साल 3568 कैटेगरी रैंक बनी है, यानी कि कंपटीशन बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 10003 पे, सॉरी, लास्ट ईयर 3458 कैटेगरी रैंक बनी थी और सेम 10005 पे 3568 कैटेगरी रैंक बढ़ी ही है। तो स्टीप इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिल सकती है। 25,768 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर 9,371 कैटेगरी रैंक बनी थी और उसी के आसपास 25,768 पे 764 ऑल इंडिया रैंक पे इस बार कैटेगरी रैंक 9,712 बनी है। 50,108 ऑल इंडिया रैंक पे 18,933 कैटेगरी रैंक बनी थी। 51,008, सॉरी, ऑल इंडिया रैंक पे 18,933 ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक बनी थी।
और 51,008 ऑल इंडिया रैंक पे, इस साल 19,426 कैटेगरी रैंक बनी है। तो लो अपर में भी और लोअर में भी, अपर रैंक से लोअर रैंक तक में स्टीप इंक्रीज देखने को मिली है कैटेगरी रैंकिंग में। अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस काउंसलिंग ईयर, प्रीवियस 2021 काउंसलिंग सेशन से, जो इस साल करंट काउंसलिंग सेशन आने वाली है, तो ओबीसी कैटेगरी में अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में क्या कैटेगरी वाइज रैंक हुई थी लास्ट ईयर और इस साल। तो स्टार्ट करते हैं एससी कैटेगरी से। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की रैंकिंग है लास्ट ईयर की और करंट ईयर की। तो 5,000 से स्टार्ट करते हैं। 5,094 पे ऑल इंडिया रैंक पे 121 कैटेगरी रैंक बनी थी और फोर्टी फोर पे 196 कैटेगरी रैंक बनी है। फिर 15,534 पे 691 कैटेगरी रैंक बनी थी और उसी के आसपास अगर देखा जाए तो 15,625 ऑल इंडिया रैंक पे, 15,625 ऑल इंडिया रैंक पे 791 कैटेगरी रैंक बनी है। 30,924 ऑल इंडिया रैंक पे 1906 कैटेगरी रैंक बनी है। 30,932 पे 2076 कैटेगरी रैंक बनी है। सिमिलरली 61,207 ऑल इंडिया रैंक पे 5,158 कैटेगरी रैंक बनी थी लास्ट ईयर और 61,233 ऑल इंडिया रैंक पे, उसी के आसपास अगर देखा जाए तो 61,233 ऑल इंडिया रैंक पे 5,556 कैटेगरी रैंक बनी है। तो वो एससी कैटेगरी में भी अच्छी खासी आपको कंपटीशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी कैटेगरी रैंकिंग में इंक्रीमेंट आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओबीसी और एससी कैटेगरी में कंपेयर टू लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक्स में अच्छी खासी इंक्रीमेंट आई है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं कैटेगरीज में, ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं और ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो फर्स्ट राउंड में ये दो कैटेगरीज में कंपटीशन हेल्दी देखने को मिल सकता है। अब एसटी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी देख लेते हैं कि क्या इनकी कैटेगरी रैंकिंग थी लास्ट ईयर और इस साल कंपेयर टू ऑल इंडिया रैंकिंग। 5,772 ऑल इंडिया रैंक पे 20 इनकी कैटेगरी रैंक थी। फिर 15,583 पे 94 इनकी कैटेगरी रैंक थी और अगर उसके आसपास देखा जाए तो 16,244 पे इनकी कैटेगरी रैंक, 116 है। सिमिलरली अगर लोअर रैंक्स में थोड़ा देखा जाए तो 30,000 के अराउंड 30,988 पे 335 इनकी कैटेगरी रैंकिंग है और उसी के आसपास देखा जाए तो 30,450 पे 331 इनकी कैटेगरी रैंकिंग है। फिर 43,841 पे 623 इनकी कैटेगरी रैंकिंग है और 43,887 पे 624 इनकी कैटेगरी रैंकिंग है, यानी कि कंपेयर टू लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी में उतनी खास इंक्रीमेंट नहीं आई है कैटेगरी रैंक्स में। अगर आप लोअर रैंक में भी देखें तो 70,330 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर 1,435 कैटेगरी रैंक बनी थी और 7,749 पे 1,546 ही इनकी कैटेगरी रैंक बनी है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है एसटी कैटेगरी में। मेनली
EWS में थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिली, और OBC और S शेड्यूल कास्ट कैटेगरी SC कैटेगरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला। ST कैटेगरी में वैसे कोई खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिली, तो इससे ये इंडिकेशन लगाया जा सकता है कि बेसिकली कंपटीशन जो थोड़ी बहुत इसकी इम्पैक्ट होगी वो OBC और SC कैटेगरी में होगी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और अगर आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी सही रहेगी और आप सही से एनालिसिस करेंगे अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली, एनालाइज करके काउंसलिंग में प्रोसीड करेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूज तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और सेकेंड राउंड से फिर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, लेकिन OBC और SC कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ी हेल्दी है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, स्पेशली MCC सेंट्रल काउंसलिंग में, इवन स्टेट काउंसलिंग में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप एनालिसिस प्रॉपरली करके काउंसलिंग में प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो डिजायर्ड ब्रांचेस है आपको, और जो डिजायर्ड कॉलेजेस हैं आपको, आपके रैंक के अकॉर्डिंगली काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स है, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर भी हमारी, उस ग्रुप पे भी हम इंक्वायरीज पोस्ट कर सकते हैं, क्वेरीज अपनी पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।